तहसील कंदी के करीब मोर जंगू मोर से चारों टांगे कटी हुई मुर्दा ऊंटनी मिली। ऊंटनी के मालिक अब्दुल रशीद कपरी के मुताबिक ऊंटनी कुछ अरसा से बीमार थी और कल दूसरे ऊंटों के साथ गई थी, जबकि वाकया का इलम लोगों के इतला देने पर हुआ है। उनका कहना था कि मालूम नहीं कि जिंदा ऊंटनी की टांगे काटी गई हैं या मरने के बाद काटी गई हैं। पुलिस के मुताबिक ऊंटनी के मालिक की जानिब से पुलिस को वाकया की इतला नहीं दी गई है। इधर गवर्नर सिंध कामरान खान एसूरी ने ऊंट की चारों टांगे काटने के वाकया से मुतल्लक मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार करते हुए कमिश्नर और DIG पुलिस मीरपुर खास से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर हाउस से जारी अलमिया के मुताबिक इन्होंने मुतल्लका हकाम को हदायत दी के मुलव्वस अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाए। गवर्नर हाउस से जारी अलमिया के मुताबिक इन्होंने मुतल्लका हकाम को हदायत दी के मुलव्वस अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाए। इन्होंने कहा कि जानवरों के साथ इंतहाई वहशियाना सलूक लम्हा फिक्रिया है, आज इंसानियत भी शर्मसार हो गई। वाजह रहे कि गुज़श्ता रोज सिंध के इलाके सांगड़ में बासर अफराद ने खेत में घुसने पर ऊंट की टांग काट दी, लेकिन पुलिस ने सब कुछ जानते हुए भी बासर वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद अज़ां वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह ने मामले का नोटिस ले लिया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया था।